अगुण काढ़े गुण ग्रह, हारे से हुई जीत, साहिब के सन्मुख सदा ब्रह्म सृष्टि की रीत। आज इसी चौपाई पर व्याख्यान होगा। आप जानते हैं कोई भी व्यक्ति पापी स्वभावता नहीं होना चाहता। गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा है, कामा ऐसा कि नरकस्य त्रिविधम द्वारम नाशनम आत्मना, कामा क्रोध तथा लोभ तस्मात एतत् त्रयम् परिवर्जित। नरक के तीन दरवाजे हैं, काम क्रोध और लोभ, इसलिए इन तीनों को आप परित्याग करना चाहिए। जो व्यक्ति काम के अधीन है, क्रोध के अधीन है, लोभ के अधीन है, उसके लिए नरक का द्वार खुला हुआ है। कोई भी ना समझ से ना समझ, अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति भी नरक में नहीं जाना चाहता। हर कोई क्या चाहता है? सुख मिले शरीर छोड़ने के बाद या शरीर के रहते। प्रश्न यह है कि हम अपने अवगुणों को कैसे छोड़ें। प्रकाश हिंदुस्तानी में और गुजराती में एक प्रकरण है, अवगुण फिराए का प्रकरण। हमें अपने अवगुणों को रूपांतरित कैसे करना है। जैसे काम ऐसा विकार है जो साधारण मनुष्य तो क्या, ऋषि मुनि देवी देवता सबको परेशान कर देता है। इसी काम से सृष्टि होती है, लेकिन यही नरक का द्वार भी है। वाणी में इसका बहुत सरल समाधान बताया गया है और आज की युवा पीढ़ी को एक विचारधारा दी जा रही है, सकारात्मकता से अपने को जोड़ना। नकारात्मक और सकारात्मक किसको कहते हैं? एक प्रकृति का सिद्धांत है कि जो कुछ है सब ठीक है, उसका प्रयोग करना हमारे ऊपर है। अफीम विष है, लेकिन अफीम से औषधि बनाई जाती है। सर्प का विष मनुष्य के जीवन के लिए घातक है, लेकिन सर्प के काटने पर उसी सर्प का विष औषधि के रूप में काम करता है। आप देखेंगे भारत में किसी भी नगर में जाइए, हर जगह कूड़े का ढेर लगा रहता है, लेकिन विदेश में इसी कूड़े से बिजली भी बना ली जाती है और कई चीज़ें बना ली जाती है। वहाँ कूड़े की बिक्री होती है। जिस कूड़े से हम परेशान रहते हैं, विदेशों में कूड़ा बिकता है। प्रयोग करने का तरीका अपने अपने ऊपर है। उसी तरह से हमारे अंदर काम भी है, क्रोध भी है। तो काम को हम सकारात्मक भावों में कैसे लें कि जो हमारा मन शरीर के आकर्षण में बंधकर विकारग्रस्त हो रहा है, हमारा मन विषय वासनाओं के जंजाल में फंस रहा है। एक जन्म तो क्या, हम लाखों जन्म इसी विकार के कारण भोग चुके हैं। उसी काम की इच्छा को हम दिव्य इच्छा, परब्रह्म इच्छा में परिवर्तित करते हैं। हम संसार की इच्छा न करें, क्यों राज्य को पाने की इच्छा करें। तो जो हम संसारिक सुख की विषय वासना की इच्छा करते थे, उस इच्छा को हम सकारात्मक भाव से राज्य की तरफ मोड़ दें, तो राज्य को पाना बहुत सरल हो जाएगा। हमारे अंदर लोभ आता है किसके लिए? धन के लिए, पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए। हम अपनों से किनारा कर लेते हैं, अपनों को धोखा कर लेते हैं, मित्र मित्र को जहर दे देता है, बाप बेटे के रिश्ते में दरार आ जाती है। क्यों? लोभ प्रबल होता है। तो लोभ प्रबल होने पर मित्र मित्र को विष खिलाने में जरा भी देर नहीं करता। यहाँ तक कि ऐसी घटनाएं भी मिली है। हमारी संस्कृत तो कहती है, कुपुत्र जाए तो क्वचित भी माता कुमाता न भवत। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कुमाता नहीं होती। किंतु इसका अपवाद भी है। स्वामी आनंद स्वामी सरस्वती ने अपने एक व्याख्यान में बोला है कि बिहार में एक बार अकाल पड़ा था और वे कई सन्यासियों के साथ अकाल पीड़ितों के लिए भोजन की व्यवस्था कर रहे थे। बिहार का घटनाक्रम है। एक ऐसे गांव में गए जहां दीपक की लौ में भोजन बन रहा था। जैसे अन्न लेकर के पहुंचे, उस घर में एक ही वृद्धा महिला थी, कहा कि स्वामी जी आपने बहुत देर कर दी, मैं कई दिनों से भूखी थी। जब भूख के मारे रहा नहीं गया तो मैंने अपने ही छोटे बेटे को काट दिया और जो पक रहा है मेरे बेटे का मांस है। आप सोचिए, एक मनुष्य
योनि में जन्म लेने वाली माता अपने ही जिगर के टुकड़े को मारकर खाने के लिए विवश हो गई। बंदर बंदरी में बहुत लगाव होता है, बंदर की योनि में अब जाइए। बंदरी अपने मरे हुए बच्चे को कई महीने तक सीने से लगाए रखती है, लेकिन उसके ऊपर जब प्राणों का संकट होता है तो भूल जाती है। मेरे कहने का आशय क्या है, ये कैसे होता है? लोभ। हम लोभ किसकी करें? केवल रचिक को पाने का लोभ करें। हमें राज्य दिखते क्यों नहीं? हम राज्य से हम बातें आत्मिक रूप से क्यों नहीं कर सकते? यह लोभ होना चाहिए, यानी नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदल देना। नकारात्मक का तात्पर्य क्या होता है? ये असंभव है, ऐसा हो नहीं सकता, ये नकारात्मक विचार है। अभी भी हमारे सुंदर साथ में मैं समझता हूँ 90% ऐसी विचारधारा वाले हैं जो ये मानते ही नहीं कि संसार में राज्य से मिलन किया जा सकता है, राज्य को देखा जा सकता है, राज्य से बातें की जा सकती हैं, क्योंकि उन बेचारे सुंदर साथ को केवल सेवा पूजा से आगे कुछ बताया ही नहीं गया कि चितवनी करने के बाद क्या परिणाम होता है। रू नैनो दीदार कर, रू जुबा हक सो बोल, रू कानो बातें सुने, यही पट रू अरस का खोल। रू के नैनों से देखना, रू के नैनों देखिए असल बगा के तन, ये बातें तो तब हम समझ सकते हैं जब हम खिलवत परिक्रमा सागर सिंगार में डुबकी लगाएं। और तो और, राज से लेकर क्यामत नमा तक की वाणी यही कह रही है, लेकिन हमारे सुंदर साथ को इतना जकड़ दिया गया है, सच पूछा जाए तो जागने की लीला में शयन की लीला चल रही है। सारे संसार में ऐसा कोई भी संप्रदाय नहीं मिलेगा जिसमें चितवनी या ध्यान का विरोध हो। हमारे ही संप्रदाय में चितवनी का विरोध होता है। संसार में ऐसा कोई भी संप्रदाय नहीं, मुसलमानों में दर्जनों फिरके हैं, लेकिन कुरान की टीका कोई करे कोई विवाद नहीं। एक हमारा ही संप्रदाय ऐसा अपवाद स्वरूप है जिसमें साहित्य का विरोध होता है कि साहित्य नहीं छपना चाहिए, साहित्य की टीका नहीं करनी चाहिए, न जाने कितनी नकारात्मक बातें। जो एक प्रवाह चल रहा है, ज्ञान को रोके रखो ताकि समाज अनपढ़ बना रहे, ये केवल संसार में हमारे पंथ में चल रहा है। आप हिंदू धर्म के 1000 पंथों में जाइए, कहीं भी रोक टोक नहीं है। रामानंद वैष्णव शालिग्राम की पूजा करते हैं, उनमें रामायण की कितनी टीकाएं होगी, लेकिन उनमें भी इतनी संकीर्णता नहीं मिलती। ये दुखद घटनाक्रम है जिसे आज मुझे मंच से बोलना पड़ रहा है। हमारा समाज नकारात्मकता में घिर गया है। एक बहुत बड़ा वर्ग तैयार हो गया है जो एक तरफा चितवनी के विरोध में लगा है। आप वैष्णव को देखिए, वेदांतियों को देखिए, भले ही ये ध्यान करें या न करें, ध्यान की महिमा जरूर गाएंगे। हमारे यहाँ चितवनी की महिमा बताने वाला कोई नहीं है। जब आप चितवनी नहीं करेंगे तो आपकी आत्मा कैसे जागृत होगी? मैं विषयांतर हो रहा हूँ थोड़ा सा, मैं अपने अपने विषय पर चलता हूँ। हम अपने अवगुणों को दूर कैसे करें? पहली बात, जो प्रकाश हिंदुस्तानी या गुजराती में अवगुण फिराए का प्रकरण है, उसमें सारी बात दर्शाती गई है कि हमारा ये मन जब से सृष्टि पैदा हुई है हमारे जीव के साथ जुड़ा हुआ है और लाखों जन्मों में अनेक योनियों में हमें घुमाता फिरा है। इस मन की इतनी शक्ति है कि पल भर में चंद्रमा पर जाएगा, पल भर में गैलेक्सी को पार कर जाएगा। इस मन को हम संसार के विषयों से कैसे बांध सकते हैं? लेकिन हमारा भ्रम है, हम सोचते हैं कि अमुक पदार्थ पा लेंगे तो हमें खुशी हो जाएगी। जैसे भाइयों की इच्छा होती है कि हम 20 लाख की कार खरीद लें, कुछ दिन तक खुशी बनी रहेगी, फिर उससे मन उब जाएगा। मन एक पदार्थ को ग्रहण करके झट तुरंत में दूसरे में घुस जाएगा। किसी बहन को 1 लाख के हीरे के हार की इच्छा होगी, कुछ समय के बाद इच्छा होगी कि 2 लाख का हार हो जाता, बाद में इच्छा करेगी 1 करोड़ का हार हो जाता। कभी तृष्णा नहीं कि शांति नहीं हो सकती। तभी तो कहा है भर्तृहरि ने, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। हम बूढ़े हो जाएंगे, तृष्णा कभी बूढ़ी नहीं होगी। इस मन को कहाँ घुमाना है? परमधाम के 25 पक्षों में। हौज कोसर कैसा है, मानिक पहाड़ कैसा है, पुखराज कैसा है, बड़े रंग की हवेलियों की शोभा क्या है, सागरों की शोभा क्या है, नक्शे सिक्त की युगल स्वरूप की शोभा क्या है, आप घुमाते रहिए। ये बेचारा तो वहाँ के सौंदर्य को देखकर ही पागल शांत हो जाएगा। जब मन शांत हो जाएगा तो उसको संसार में घूमना अच्छा नहीं लगता। एक बात मैं स्पष्ट कह दूंगा, चितवनी का मार्ग शुरू में टेढ़ा लगता है,
कि कौन बैठे, तरह तरह के बहाने गढ़ लिए जाते हैं कि हम तो चलते फिरते चितवनी कर लेते हैं। क्यों? चितवनी से हटने का एक बहाना ढूंढा जाता है। एक और बहाना मिलता है हमारे समाज में, हुक्म से हम आए हैं, राज्य का हुक्म होगा तो हमको परम धाम ले चलेंगे, ना हमें चितवनी करने की जरूरत है, ना वाणी पढ़ने की जरूरत है। यही तो सबसे बड़ा भ्रम है। बेशक अर्ज से हो के क्यों खाए पिए करे आराम। यदि आपको ब्रह्मवाणी का प्रकाश मिलना है तो चितवनी में अवश्य डूबना पड़ेगा। चितवनी में डूबने का क्या लाभ होगा, आप एक सामान्य सा दृष्टांत से समझ लीजिए। जो आपका मन अनंत शक्ति वाला है, संसार के सुखों ने, संसार के सौंदर्य ने, संसार के बंधनों ने जिस मन को शांति नहीं दी, आपका मन नाना यौन सहस्त्राणी मयोषितान्वय, जीव कहता है कि हे परमात्मा, मैंने असंख्य योनियों में अनेक माता पिता को देखा है, अनेक भाई बंधुओं को देखा है, अनेक माताओं के स्तनों से दुग्ध पान किया है, अनेक बार मैं, मेरा तन मरा है, जीवित रहा है, लेकिन इससे छुटकारा कब मिलेगा? जब मन के अंदर संसार की तृष्णा नहीं रहेगी, चित्त में कोई संस्कार नहीं रहेगा। ये कैसे होगा? उस मन को राज्य में लगा दीजिए। तो मन कहता है कि मैं क्या करूं, जब मुझे परब्रह्म का कोई बोध ही नहीं था तो मैं संसार में घूम रहा था, मैं फूलों में सौंदर्य खोजता था, शरीर में सौंदर्य खोजता था, संसार के रिश्तों में अखंड प्रेम की खोज करता था। प्रेम शांति और आनंद इस सृष्टि में नहीं तो मैं क्या करता, मेरा तो काम था खोजना। और हे जीव, अब तुमने मुझे बता दिया है तो देखो, अब तुझको मैं बहुत जल्दी राज्य से मिला देता हूँ। यानी मन की शक्ति को हम राज्य की तरफ केंद्रित करते हैं, इसको क्या कहेंगे, सकारात्मकता को ग्रहण करना। अब तक हम नकारात्मक, नकारात्मक का तात्पर्य क्या है, जो नहीं है। प्रकृति में सुख है नहीं, सुख की एक हल्की सी आहट का आभास होता है लेकिन वो है नहीं। जैसे मृग तृष्णा का जल होता है, होता नहीं है लेकिन प्रतीत होता है। जैसे कहा जाए, किसी ने खरगोश का सिंह देखा है, खरगोश की सिंह तो होती ही नहीं, लेकिन उस पर तूफान मचा है कि खरगोश के सिंह इतना लंबा होता है। जो है नहीं, उसकी लंबाई मोटाई नापने का क्या उचित है? जब इस सृष्टि में अस्थाई सुख नहीं, शाश्वत प्रेम नहीं, शाश्वत आनंद नहीं, तो मन को भटकाने से कोई भी लाभ नहीं है। हम क्यों भटक रहे हैं? जैसे जो सुंदर साथ नए हैं, विशेषकर गुजरात के सुंदर साथ या उत्तर भारत के साथ, अभी यदि दो दिन के लिए चाय पर रोक लगा दी जाए तो जानते हैं मेरे पास कितनी शिकायतें आ जाएंगी कि हमारा सिर दर्द कर रहा है, कोई शांति से दो घंटा बैठ नहीं सकता ध्यान में, चाय के बिना इतनी तड़प होती है क्योंकि मन इसका आदि हो चुका है। लेकिन याद रखिए, जिसको चितवनी का रस मिल गया, जिसने अपने मन को शांत कर अपने हृदय मंदिर में युगल स्वरूप की एक बार झलक देख ली, उसको सारी पृथ्वी को हीरे मोतियों से भर करके दे दीजिए और कह दीजिए कि यह ले लो और चितवनी छोड़ दो, तो छोड़ना नहीं चाहेगा। जहां तक मेरा अपना अनुभव है, चितवनी के सुख के सामने ब्रह्मांड का, सारे राजपाट का सुख भी नगण्य है। इसलिए हमारा नेतृत्व वर्ग नहीं चाहता कि चितवनी का प्रचार हो, वह केवल जो परंपरा से चला आ रहा है उन्हीं में भटकाए रखना चाहता है, क्योंकि आज से 50 वर्ष पहले शिक्षा की उतनी व्यवस्था नहीं थी। जो परमात्माएं थी परमहंसों के रूप में, उन्होंने कहीं कहीं जागनी की ज्योति जलाई। आज हमारे पास संसाधन है, हम उस कक्षा से तो ऊपर उठे, हम अपने अवगुणों को सकारात्मक भावों की तरफ ले चले कि हम परम धाम की ब्रह्मात्मा है। एक चौपाई में तो सीधे चुनौती दे दी, जो मासुक सेज न आया देख्या सुनिया ने कही बात, सुख अंग न लियो इन सेज को तय निर्फल गई चुरात। जिसने अपनी आत्मा के धाम हृदय में युगल स्वरूप को बसाकर उनका प्रत्यक्ष दीदार नहीं किया, उनसे बातें नहीं की, तय निर्फल गई चुरात। उनको इस ब्रह्मांड में आना ही व्यर्थ है, यानी उनको सुंदर साथ कहलाने का भी अधिकार नहीं है। आप सोचिए, इससे कठोर वचन और क्या राज्य कहेंगे कि आप चितवनी करो और राज्य का दीदार करो, राज्य का प्रेम अपने हृदय में बसाओ। हमें तो परंपरा से जो सिखाया जा रहा था हम उसी को सब कुछ मानने बैठे हैं,
केवल चरणामृत प्रसाद ले लिया, परिक्रमा कर ली, माला फेर लिया, ये कीजिए, लेकिन ये काम तो बच्चों के लिए है। आप 50 साल के हो गए हैं तो चितवनी कब करेंगे? मैं वही बात कर रहा था, हमारे अवगुण दूर कैसे होंगे? एक तो पहला साधन है जो वाणी में बताया गया है कि हम अपने अवगुणों को गुणों में परिवर्तित करें। यानी जो हम माया की इच्छा कर रहे थे, हमारे अंदर काम की इच्छा थी, क्रोध प्रबल हो रहा था, क्रोध इस बात का हमें हो, धन जाने का क्रोध ना हो, रिश्ते टूटने का क्रोध ना हो, एक क्रोध अवश्य होना चाहिए कि हमें राज्य मिलते क्यों नहीं। अब राज्य को पाने के लिए हमें करना क्या है? अपने इंद्रियों को शांत करना होगा, राज्य के विरह में डुबाना होगा अपने जीव को, वाणी के मार्फत के ज्ञान को ग्रहण करना होगा। मार्फत देवे इश्क, इसके हुए दीदार, इसके मिलिए हक्सों, इसके खुले पट द्वार। जब इस तरफ हम कदम बढ़ाएंगे तब हम समझ सकते हैं कि हम सही मार्ग का अवलंबन कर रहे हैं। उस प्रकरण में अनेक बातों को उद्धृत किया गया है, अभी समय अभाव है, मैं इस पर ज़्यादा नहीं बोल सकता। केवल मैं आपको एक दृष्टांत दे रहा हूँ कि अवगुण फिराए के प्रकरण में हमारी जो इच्छाएं संसार की हो रही हैं उसको हम राज्य की तरफ केंद्रित करते हैं। इसमें एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है, मनुष्य क्या है? संकल्पमयो पुरुषः। संकल्प से ही पुरुष का व्यक्तित्व दृष्टिगोचर होता है। इच्छा के बिना कोई कार्य नहीं हो सकता। जैसे आप प्यास लगी है लेकिन जब पानी पीने की इच्छा होगी तभी आप पिएंगे। कामना कहाँ से पैदा होती है? संसार के सुख की उपभोग की कामना कहाँ से पैदा होती है? अज्ञानता से। इसलिए कामनाओं का समन कीजिए, दमन मत कीजिए। दमन करेंगे तो एक दिन ज्वालामुखी बनकर के वही कामना भड़क उठेगी, फिर आप पतित हो जाएंगे। समन के लिए क्या तरीका है? आप अपने विचारों में शुभ संकल्प कीजिए। आप कौन हैं? क्या आप जानते हैं कि आप कौन हैं? मैं किसी से भी पूछूं कि आप कौन हैं तो आप अपना नाम बताना शुरू कर देंगे जो आपके माता पिता ने दिया है। आप अपने जीव का भी स्वरूप नहीं जानते हैं, आप अपने शरीर का रूप जानते हैं, न जीव को जानते हैं न आत्मा को जानते हैं। आप मन बुद्धि और चित्त अहंकार की वास्तविकता को भी नहीं जानते हैं, फिर भी मैं पूछूं कि क्या आप अपने को जानते हैं तो गर्व से कहेंगे कि मैं अपने को जानता हूं। मदालसा अपने बच्चे को लोरी सुनाया करती थी, क्या कहती है? शुद्ध वसी, बुद्ध वसी, निरंजनो वसी, संसार माया परिवर्जित वसी। कितने ऊंचे वाक्य मेरे बेटे, छोटा बच्चा है, 2 साल का नहीं हुआ, लेकिन माँ सोचती है कि मेरा बेटा ब्रह्मज्ञानी बने, तो लोरी में भी गाती है कि तुम शुद्ध हो, तुम्हारे ऊपर माया का कोई विकार नहीं, बुद्ध हो ऐसी, अज्ञानी मत समझो, ज्ञानी समझो। मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं शुद्ध निर्विकार स्वरूप हूँ। निरंजनो वसी, मेरा स्वरूप प्रकृति से परे है। ये हाथ पैर जो की आकृति दिखाई दे रही है ये मेरी आकृति नहीं है, ये तो पंचभौतिक तन है जो मेरे जीव ने धारण किया है। संसार माया परिवर्जितो अस, मैं संसार की माया से अलग हूँ, ये माया में मुझे बंधन में डालने वाली नहीं है। हमारे उपनिषदों में ऋषियों ने डिंडम घोष के साथ कहा है, श्रीमंत विश्व अमृत से पुत्रा ये दिव्यानि धमानि तस्तु। ऐ अमृत पुत्रों सुनो, हमको क्या सिखाया जाता है? हम तारतम तो लेते हैं, परम धाम के ज्ञान का दावा देते हैं, लेकिन हमारे कान में ये बात भर दी जाती है कि देखो तुम मात्र गृहस्थी भर हो, तुम्हें घर पर वाणी पधराने का अधिकार नहीं, तुम्हें पढ़ने का अधिकार नहीं, तुम्हें चितवनी करने का अधिकार नहीं, बस नाचो कूदो गाओ, एक बार माला का जप कर लो, 5 बार तारतम का पाठ कर लो, प्रसादी ले लो। ये कब तक सिखाया जाएगा? 300 वर्षों से यही प्रक्रिया चल रही है, तो आखिर कब हमारी सुरता मूल मिलावे में पहुंचेगी, कब हमारी आत्मा जागृत होगी? आपको संकल्प करना है कि मैं कौन हूं, आप अपने को पहचानिए। आप देखिए देवचंद जी को राज्य दर्शन देते हैं श्याम जी के मंदिर में, देवचंद जी को अपनी कुछ पहचान ही नहीं है, राज्य पहचान देते हैं तुम परम धाम की श्यामा जी हो, ब्रजराज के पश्चात इस जागने के ब्रह्मांड में आई हो। और जब आप ये मानते हैं कि आप श्यामा जी के अंग हैं तो आप जैसे श्यामा जी को अधिकार है अपने हृदय मंदिर में युगल स्वरूप को, अपने हृदय मंदिर में राज्य को बसाने का, तो आपको भी अधिकार है
अपने धाम हृदय में युगल स्वरूप को बसाने का, उनसे बात करने का। आप ये इस बात पर ध्यान न दीजिए कि आप जीव सृष्टि हैं, आपको दर्शन नहीं मिल सकता। आपको तारतम्य ज्ञान का प्रकाश मिला है तो उसी दिन अधिकार भी मिल गया। आप युगल स्वरूप को अपने हृदय मंदिर में बसाइए। कदाचित आप ब्रह्म सृष्टि नहीं, ईश्वरीय सृष्टि नहीं, मैं मानता हूँ। पूरे परम धाम के 25 पक्षों का दर्शन करने का अधिकार एक कोरे से कोरे जीव को भी है। श्यामा जी का दर्शन नहीं मिला तो क्या, राज्य के नख से सिख तक के एक एक अंग की शोभा को देखने का अधिकार कोरे से कोरे जीव को भी है। और ब्रह्म सृष्टि का जीव यदि सत्स्वरूप की पहली बहिष्ठ में पहुंच सकता है तो कोरे से कोरे जीव का भी जीव सत्स्वरूप की पहली बहिष्ठ में ब्रह्मात्मा के स्वरूप को धारण करने का अधिकार रखता है। उस अधिकार को प्राप्त कर सकता है जिस अधिकार को ब्रह्मात्मा का जीव प्राप्त कर सकता है। इसलिए चितवनी को जोर शोर से फैलाने की आवश्यकता है। संकल्पमयो पुरुषा, जब तक आप संकल्प नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। आप रात को सोते समय यही बात सोचेंगे, हम तो बेचारे गृहस्थी हैं, हमें राज्य कैसे मिलेंगे, तो राज्य कभी नहीं मिलेंगे। जानते हैं नेपोलियन ने एक वाक्य कहा था, असंभव शब्द किसके शब्दकोश में होता है ये मैं नहीं कहूंगा, पढ़े लिखे सब लोग जानते हैं। कमल जी इस शब्द को कह देंगे, असंभव शब्द किसके शब्दकोश में होता है उसकी व्याख्या भी वो कर देंगे। आपको तारतम वाणी का प्रकाश मिला, आपको चितवनी का मार्ग मिला, फिर राज्य आपको क्यों नहीं मिलेंगे। जब आप संकल्प कीजिए रात को सोने से पहले और सवेरे उठने के बाद संकल्प कीजिए तो उसी मंजिल पर पहुंचेंगे। जैसे आपका संकल्प बुरा होगा तो आप बुरे बनेंगे। मनुष्य जैसा संकल्प करता है संकल्प के अनुसार ही उसके मन में वैसे विचार आते हैं और वैसा ही वह करने लगता है। मैं एक छोटा सा दृष्टांत देता हूँ। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को कह दिया कि चंद्रगुप्त तुझे भारत का सम्राट बनना है। उसमें चंद्रगुप्त एक छोटा बच्चा है, कुछ नहीं पता, झोपड़ी में रहने वाला एक बालक जिसके पिता को धनानंद ने मार दिया है। चाणक्य जानता है कि इस बच्चे में प्रतिभा है, उस प्रतिभा को निखारना चाहता है। छोटे बालक को कह देना कि तुझे भारत का सम्राट बनना है, जिसके पास प्रतिदिन भोजन भी नहीं, भोजन के लिए भी व्यवस्था न हो, वो ख्वाब देखे कि मुझे भारत का सम्राट बनाया जाएगा, लेकिन चाणक्य जैसा आचार्य मिले, पथ प्रदर्शक मिले, तो कुछ भी असंभव शब्द नहीं होता। अब चंद्रगुप्त को वैसी शिक्षा मिलती है कि चाणक्य के एक आदेश पर वो कई फुट नीचे, कई ताड़ नीचे गहरे कुंड में छलांग लगाने के लिए तैयार होता है। छलांग भी लगा जाता है कि मैं अपने आचार्य के लिए, अपनी माँ के लिए इस गहरे जलाशय में कूद जाऊँगा, जिसमें से जिसकी तरफ देखने का साहस भी किसी किसी को नहीं होता था, क्योंकि बहुत पहाड़ी की चोटी से कूदना था उस जलाशय में। और चंद्रगुप्त अपने आचार्य के आदेश पर छलांग लगाता है। जो समर्पण की भाषा सीखता है उसके साथ तो परमात्मा की कृपा रहती है। और एक दिन वही चंद्रगुप्त भारत का सम्राट बनता है जो झोपड़ी में पला था। आप परम धाम से आए हैं, आपको कहा जाता है कि राज्य आपको मिल ही नहीं सकते। आप भी सोच लेते हैं कि हम तो बेचारे ऐसे ही रह जाएंगे, होंगे तो ले जाएंगे राज्य, नहीं तो यहीं पड़े रहेंगे। आप क्यों नहीं संकल्प कर सकते हैं कि क्यों रहे दीदार बिन प्राण, राज्य के दर्शन के बिना तो ये प्राणों को रखना भी व्यर्थ है। क्योंकि आप अपने को आत्मा मानते ही नहीं, आप तो दीनहीन भावना का शिकार हो चुके हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण जानते हैं अर्जुन को क्या कहते हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में, कि अर्जुन तुम अपनी क्लैब्यता को छोड़ो। क्लैब्य किसको कहते हैं, नपुंसक को। उठो पार्थ, गांडी उठाओ, तुम अपनी क्लैब्यता को छोड़ दो। कितने कठोर शब्द हैं। जब पुरुषार्थ करना होता है हम पहले ही हिम्मत हार जाएं कि हमें नहीं कर सकते, तो आप कभी भी जीवन में नहीं कर पाएंगे। मैं जो कह रहा था, आप सकारात्मक भाव में हमेशा बने रहिए कि आप क्या चाहते हैं। जैसे आप परमधाम की आत्मा हैं तो उसका भाव लेना पड़ेगा। आप ये भाव मत कभी भी लीजिए कि मेरे जैसा इस सृष्टि में कोई धनवान नहीं, मेरे जैसा कोई सुंदर नहीं, मेरे जैसा कोई विद्वान नहीं,
और मेरे जैसा कोई प्रतिष्ठित नहीं, ये संसार की माया है, इसको मत लीजिए। आप यह भाव लीजिए कि मैं परमधाम की आत्मा हूँ, प्रियतम से मेरा अटूट संबंध है और उनका दर्शन करना, उनको हृदय में बसाना मेरा अनादि अधिकार है। इस अधिकार को छीनने में मृत्यु भी समर्थ नहीं है। आप जानते हैं प्राणनाथ ज्ञानपीठ सरसावा में रात को बच्चे जब सोने जाते हैं तो उनको ध्यान करके चार वाक्यों को दोहराना पड़ता है। सवेरे उठने के बाद भी ध्यान करके पहले उनको चार वाक्य को दोहराने का आदेश दिया जाता है। जानते हैं वो चार क्या वाक्य क्या है? पहला वाक्य है मम प्राणेश मम हृदय आगच्छ, मेरे राज्य मेरे हृदय मंदिर में आ जाइए। अब सोचिए रात को सोते समय भी जो पहला वाक्य दोहराता है कि मेरे आराध्य मेरे प्राणेश्वर मेरे प्राणवल्लभ आपको हृदय मंदिर में बसना है, सवेरे भी उठने के बाद ध्यान करके यही वाक्य दोहराएगा तो जीवन में तो वही बनना पड़ेगा। दूसरा वाक्य है अहम निर्विकारो धर्मात्मा च भवाम, मैं निर्विकार हो जाऊं, मुझे काम क्रोध मद लोभ अहंकार न सताए और मैं धर्मात्मा बन जाऊं। तीसरा वाक्य है अहम सत्यवादी भक्ति मानस च भवाम, मैं सत्य बोलूं और आपकी प्रेम लक्षणा भक्ति में डूब जाऊं। जो संगीतकार हैं वो दोहराते हैं अहम महान संगीतकारो भवान, जो विद्वान बनने की इच्छा रखते हैं उनको दोहराना पड़ता है अहम महान विद्वानो भवान, मैं महान विद्वान बनूं ताकि आपकी ज्ञान की रश्मियों को फैला सकूं, मैं महान संगीतकार बनूं ताकि आपकी वाणी को मधुर ध्वनों में सुरों में गा सकूं। ये वाक्य दोहराना पड़ता है, इसमें अहंकार की ग्रंथि नहीं है, अपने अधिकार को लेना है। अधिकार यदि पटरानी नहीं लेगी तो दासी लेगी, दासी तो बेचारी डरी समी राजा के सिंहासन की तरफ देखने का भी साहस नहीं करेगी, वो तो सोचेगी कि राजा रूठ जाएगा तो मुझे कैद खाने में डाल देगा। पटरानी सोचती है कि ये तो मेरा अधिकार है, प्रियतम मेरा महाराजा है चक्रवर्ती सम्राट है, मुझे उसके बगल में बैठने का अधिकार है, मेरी इच्छा के बिना तो वो भी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए आप अपने आत्मगौरव को समझिए, आप कौन हैं और आपको क्या करना है। निराशावाद को हटाइए, जो निराशावाद का शिकार होता है उसको कभी भी आस्तिक कहलाने का अधिकार नहीं होता है। जो आशावादी है जिसको लगता है कि परब्रह्म मेरे पल पल साथ है, ये माया के विकार क्या है? माया का आकर्षण खींच रहा है तो इसमें कौन कारण है? अज्ञानता प्रमुख कारण है। अज्ञानता के भावों को आप अपने स्वरूप के द्वारा शुभ संकल्पों से प्रेरित कीजिए। आप देखिए उठते बैठते शुभ सकारात्मक संकल्प कीजिए और जैसे जैसे आप संकल्प करते हैं वैसे ही आप होते जाएंगे। जैसे आपको तमाकू खाने की आदत है, तमाकू क्यों खाएंगे आप? क्योंकि आपको तमाकू खाने का संस्कार पड़ चुका है, आपको लगता है तमाकू में स्वाद है। आप तमाकू क्यों खा रहे हैं? क्योंकि आपको अपना शरीर दिख रहा है। जब आप उच्च विचारों से युक्त हो जाओगे कि मैं परम धाम की आत्मा हूँ, परम धाम की आत्मा को तमाकू मुंह में नहीं डाल सकता तो तमाकू आप नहीं खाएंगे। जब आप अपने को मनुष्य समझेंगे विकारग्रस्त जीव समझेंगे तभी तो आप तमाकू खाओगे। इसलिए उठते बैठते सोते जागते दम न छोड़े मासूक को जाके असल हक निस्बत अक्षरातीत से अपना अटूट संबंध जोड़िए और सकारात्मक भावों से हमेशा रात्रि को सोने से पहले ध्यान अवश्य कीजिए। कितने भी थके हों 5 मिनट भी राज्य को याद कीजिए और प्रार्थना कीजिए राज्य मेरे हृदय मंदिर में आ जाइए। सवेरे उठने के बाद किसी से बातचीत किए बिना ध्यान करके युगल स्वरूप को अपने हृदय मंदिर में बसा कर यह शुभ संकल्प अवश्य कीजिए कि राज्य मेरे हृदय मंदिर में आ जाइए, मुझे निर्विकार बना दीजिए, मेरे जीवन में केवल पवित्रता हो धर्म हो आपका प्रेम हो, ये मांग करना आपका अखंड अधिकार है। कोई भी व्यक्ति आपसे इस अधिकार को छीन नहीं सकता। यदि आप ऐसा करेंगे तो काम क्रोध मद लोभ करोड़ों कोस दूर जाकर आपसे हाथ जोड़े करके खड़े रहेंगे, नतमस्तक रहेंगे। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये आपके ऊपर हावी हो जाएंगे और संसार में आपकी हंसी होगी। लेकिन इस लक्ष्य तक पहुँचने के लिए कुछ और भी करना पड़ेगा। जहाँ तहाँ बातें सुनने को मिलती है, कुछ बुद्धिमान लोग बहुत बातें करते रहते हैं कि राजन स्वामी जब देखो
हमको लहसुन छुड़ाते हैं, प्याज छुड़ाते हैं, गरम मसाले छुड़ाते हैं, अचार छुड़ाते हैं, चाय छुड़ाते हैं, किस लिए छुड़ाता हूँ? मैं किसी को छुड़ाता नहीं हूँ, मैं तो ये कहता हूँ कि ये तामसिक आहार आप खाएंगे तो आपकी बुद्धि में तमोगुण पैदा होगा। आहार शुद्ध हो सत्य शुद्धि, आहार की शुद्धि से बुद्धि की शुद्धि होती है। सत्य पुरुषयो अशुद्ध साम्य कैवल्यम, और बुद्धि की शुद्धता से, जीव की शुद्धता से कैवल्य मोक्ष की प्राप्ति होती है। संसार का बड़ा से बड़ा योगी भी यदि तामसिक आहार करता है, नशे का सेवन करता है और कहता है कि मैं समाधि लगाकर निर्वीज समाधि तक पहुंच गया हूं, तो समझिए कि यह सफेद झूठ बोल रहा है। जब तक आहार में शुद्धि नहीं होगी किसी का ध्यान नहीं लग सकता, भले ही आंख मूंद करो बैठा रहेगा, ध्यान नहीं लग सकता। शंकर जी कभी भांग धतूरे नहीं खाते पीते थे, लेकिन शंकर जी के भक्त जब देखो तब भांग का गोटा चढ़ाते हैं। बड़े बड़े महात्मा सुल्फा पीते हैं, नशे का सेवन करते हैं, कहते कि हम समाधि में रहते हैं, उस समाधि से करोड़ों कुछ दूर हैं। मैं इसलिए कहता हूँ, देखिए मिर्च में कोई स्वाद नहीं है, आपने लाखों जन्मों में मिर्च खाया होगा। मिर्च ने आपको बंधन में डाला, किसी के जीवा पर एक चम्मच लाल मिर्च पीस कर रख दिया जाए और कहा जाए कि रखे रहो, क्या उसमें कोई स्वाद है? लेकिन सब्जी में पड़ती है, दाल में पड़ती है, लोग चटकारे लेकर खाते हैं, सोचते हैं कि इसमें बहुत मज़ा है, उससे मज़ा कुछ नहीं है, वो तो तृष्णा है, आपकी जीवा की तृष्णाओं को और बढ़ाया जा रहा है। मैं तो कहता हूँ यदि आप चित्वनी का आनंद लेना चाहते हैं तो अपने को अधिक से अधिक सात्विक बनाइए। जिसको नहीं चित्वनी करनी है वो मेरी तरफ से छूट है, वो खाए, लेकिन अध्यात्म का आनंद लेना है तो अपने आहार की सात्विकता को बनाना पड़ेगा। क्योंकि आपके आहार सात्विक रहेंगे तो आपके विचार उच्च होंगे, विचार उच्च होंगे तो आपके संकल्प शुद्ध होंगे, शुभ संकल्प होंगे तो आप वैसा बनेंगे, नहीं तो आप अंधेरे में भटकते जाएंगे, आपको कोई भी बचा नहीं सकेगा। इसलिए अवगुण काढ़े गुड़ ग्रहे हारे से हुए जीत, अवगुणों को निकालना। अवगुणों को कैसे निकालेंगे? गुण ग्रह से, यानी गुणों को ग्रहण करना है। किसी व्यक्ति में जो अच्छे गुण हैं, मैंने कल भी कहा था, सृष्टि में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं, ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं जिसमें कुछ गुण न हो। हर वनस्पति में किसी न किसी रोग की औषधि है, पापी से पापी व्यक्ति में भी कुछ न कुछ गुण अवश्य छिपा होता है। हम गुणों की ग्राहकता की तरफ ध्यान दें, किसी में जो अच्छाई दिखती है उसको हम ग्रहण कर लें। दत्तात्रेय एक बार जा रहे थे, रास्ते में उन्होंने देखा कि एक वेश्या अपने प्रेमी की प्रतीक्षा कर रही है व्याकुल होकर। सोचते हैं कि यह तो मेरी गुरु है, जितना व्याकुल होकर यह अपने प्रेमी की प्रतीक्षा कर रही है, मैं भी इसी व्याकुलता से परमात्मा का ध्यान करूं तो मुझे परमात्मा क्यों नहीं मिल जाएगा। उन्होंने अजगर से शिक्षा की, सबसे शिक्षा ग्रहण करते हैं। ये प्रवृत्ति हमारी होनी चाहिए गुण ग्राहकता की। हम दूसरों के अवगुणों को ध्यान देंगे तो क्या दुष्परिणाम होगा? हम नकारात्मक हो जाएंगे, अवगुणों के संस्कार हमारे अंदर आ जाएंगे। जैसे रावण उठते बैठते राम के बारे में ही सोचा करता था, क्या परिणाम हुआ कि मरने के बाद वो राम के धाम को प्राप्त हुआ। रावण या कंस राम और कृष्ण के ध्यान में लगे रहे। एक सामान्य सी बात है, महात्मा गांधी पर जो फिल्म बनाई गई थी, रिचर्ड एटिनबरो ने उसकी शायद एक्टिंग की थी। एक अंग्रेज जिसको शुद्ध हिंदी नहीं आती, वो तुम को तुम कहेगा, वो महात्मा गांधी के चलने की एक्टिंग सीखता है, उच्चारण सीखता है और सचमुच वैसा ही बन गया। जिसका उठते बैठते ध्यान किया जाता है मनुष्य वैसा ही बनता है। इसलिए हमारा पहला कर्तव्य होना चाहिए कि हम अवगुणों को हटा दें। किस व्यक्ति में क्या गुण है उस गुण की तरफ हमारी दृष्टि हो और उसके उस अपने अंदर आत्मसात कर लें। यदि हम किसी के अवगुणों का बखान करेंगे तो उन अवगुणों के संस्कार हमारे अंदर आ जाएंगे। जैसे कीचड़ पर आप पत्थर फेंकेंगे
कुछ लोगों को पता तो चलेगा कि आप कीचड़ के ऊपर पत्थर मार रहे हैं, लेकिन उसके छींटे आपको भी लग जाएंगे और आप में वो संस्कार बस जाएंगे। जैसे कोई व्यक्ति चोर है, आप दिन भर यही कहते रहते हैं वो चोर है वो चोर है, चोर का संस्कार तो आपके अंदर बस गया। तो हो सकता है आप भी कभी चोरी कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा चिंतन अवश्य कीजिए कि यह बुराई है या अच्छाई है। बुराई की तरफ से आँख मत लीजिए और अच्छाई को ग्रहण कर लीजिए। अवगुण काढ़े गुण ग्रहे हारे से हुई जीत। हारने से जीत होने का तात्पर्य क्या है? हारना का अर्थ क्या है? यदि आपको कोई कह रहा है कि आप बहुत बुरे हैं, तो आप प्रमाण मत दीजिए। सूरज उगता है तो सूर मचाते हुए नहीं उगता है कि देखो मैं सूरज हूं, सबको प्रकाशित करने के लिए आ रहा हूं। वो केवल उग जाता है, प्रकाश अपने आप दर्शा देता है कि सूरज उग गया है। इसलिए यदि आप पर कोई कीचड़ उछालता है कि तुम चोर हो, तुम झूठे हो, तुम ऐसे हो, आप शांत बने रहिए। गौतम बुद्ध के ऊपर न जाने कितने आरोप लगे, बुद्ध शांत हैं क्योंकि वो बुद्धत्व को प्राप्त हुए हैं, ज्ञान के उस चरम तक पहुंचे हैं जिसमें कोई गवाही नहीं दी जाती कि मैं पवित्र हूँ। पवित्रता का तो स्वयं बोलती है, उसको मुख से बोलने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसको कहते हैं हारे से हुई जीत। यदि आपने संसार की लहरों से अपने को हटा लिया, आपको क्या कहा जा रहा है क्या नहीं कहा जा रहा है इस द्वंद्व से आप परे हो गए हैं, तो संसार में आपको कोई भी हराने वाला नहीं रहेगा। इस बात को ध्यान में रखिए। हारे से हुई जीत साहेब के सन्मुख सदा ब्रह्म सृष्टि की रीत। साहेब के सन्मुख सदा का तात्पर्य है आप यदि राज्य को देखना चाहते हैं, राज्य का हर पल आनंद लेना चाहते हैं, तो तीन चीजों को ग्रहण कीजिए। अवगुण काढ़े गुण ग्रहे हारे से हो जीत। अवगुणों को छोड़ देना, किसी के गुणों को ग्रहण करना, और संसार के द्वारा कीचड़ उछालने पर भी धैर्य से अपनी शांत अवस्था में बने रहना, तो एक दिन आप अपने मन को जीतकर सारे संसार को भी जीत सकते हैं। सारे संसार में अपने ज्ञान की पताका फहरा सकते हैं, सारे संसार को परम धाम की राह पर ले जाने की शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। मैंने जो दो तीन बातें कही कि किस तरह से हमें अपने अवगुणों को छोड़ना है, गुणों को ग्रहण करना है, पहली तो प्रकाश हिंदुस्तानी में जो सिद्धांत है उसको अनुसरण में लाना कि हम अपनी इच्छाओं को, अपने विकारों को संसार की तरफ से हटाकर राज्य की तरफ केंद्रित करते हैं। हमारे अंदर कामना हो राज्य को पाने की, लोभ हो राज्य के लिए, मोह भी हो तो केवल राज्य के लिए। हम अपनी पत्नी से मोह रखते हैं, पति से मोह रखते हैं, बच्चों से मोह रखते हैं, संगे संबंधियों से मोह रखते हैं। एक बात याद रख दीजिए कि आपके पहले हैं तो केवल राज्य है। संसार के साथ अपने संबंधों को निभाइए, लेकिन उससे पहले आपका संबंध है आपका अपने प्राणेश्वर के साथ, जो कभी टूट नहीं सकता, मृत्यु भी नहीं छुड़ा सकती। मृत्यु शरीर को छुड़ा सकती है, राज्य से आपको कभी अलग नहीं कर सकती। दूसरी चीज, जो जिसका ध्यान करता है वैसा ही हो जाएगा। जो राज्य का ध्यान करेगा निश्चित है कि राज्य उसके हृदय में वास करेंगे। जो जिसको पाने का संकल्प करेगा वह उसको अवश्य प्राप्त होगा। ये सार्वभौम शाश्वत सिद्धांत है और मैं आशा करता हूँ कि सुंदर साथ इस एक चौपाई को अंगीकार कर ले तो जीवन की दिशा बदल जाएगी। अवगुण काढ़े गुण ग्रहे हारे से हुई जीत। साहेब के सन्मुख सदा ये ब्रह्म सृष्टि की रीत। एक बात और ध्यान में रखिए कि किसी को बुरा कहने से पहले ये बात तो सोच लीजिए कि हम किसको बुरा कहने जा रहे हैं। जिसको बुरा कह रहे हैं वो भी कुछ समय तो राज्य को याद करता ही होगा, कुछ ना कुछ अच्छाई तो उसमें भी होगी। उसके हृदय में पल भर के लिए भी राज्य ने अपना सिंहासन बनाया है। बनाया तो बातिनी रूप से अनादिकाल से है, अखंड काल तक सिंहासन बना रहेगा। पल भर के लिए भी उसके हृदय से पर्दा उठा होगा और हमने उसको सरेआम नंगा किया कि तुम बहुत बुरे हो, उसके हृदय को पीड़ा पहुंची, तो इसका प्रायश्चित कौन करेगा? कभी हम ये नहीं सोचते। इसलिए किसी को बुरा कहने से अच्छा है कि आप सबके लिए सत्य का मार्ग दर्शाइए, कि बुराई की तरफ देखिए ही नहीं केवल अच्छाई को देखिए
अच्छाई बोलिए और अच्छाई को ही ग्रहण कीजिए, इसी में हमारे जीवन की सार्थकता छिपी हुई है। ऐसा करके हम अपने को बुराइयों से स्वयं दूर रख सकते हैं और सारे संसार के लिए एक सरल सुगम रास्ता प्रस्तुत कर सकते हैं, जिस पर चलने के बाद परम धाम का शाश्वत मार्ग प्रशस्त हो सकता है। सुंदर साथ को शायद यह नहीं मालूम है कि उन्हें कितना ऊंचा ज्ञान मिला है। आप देखिए सीरिया, तुर्की या किस तरह से पश्चिम एशिया में विश्वयुद्ध की भूमिका तैयार होने लगी है, कहाँ नहीं जा सकता। जो कुछ हो रहा है किस नाम पर हो रहा है? केवल धर्म की चादर ओढ़कर अपने वर्चस्व के लिए लड़ाई होती है और कुछ नहीं होता है। यदि हमारे पास आज विश्व स्तर के विद्वान होते जो सारे संसार का मार्गदर्शक बन सकते थे, जो आज से 300 वर्ष पहले प्राणनाथ की वाणी में दर्शाया गया, तो आज संसार का नक्शा कुछ और होता। दुर्भाग्य है कि हम संसार को क्या समझाएंगे। हम तो पूरे मध्य प्रदेश को भी नहीं समझा पाए हैं, हम पूरे पन्ना जिले को भी नहीं समझा पाए हैं, हम भारत के किसी कोने में रहते हैं पड़ोस वाले को भी नहीं समझा पाते हैं कि प्राणनाथ जी की वाणी सारे संसार के सारे ग्रंथों के उस शाश्वत रहस्य को संकेतित करती है जिस तक आज तक किसी की पहुंच नहीं हो पाई। शायद बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट में क्या है, केवल कहानियाँ। न्यू टेस्टामेंट में बस इतना मिलेगा ईसा मसीह कहाँ गए, क्या चमत्कार दिखाए, कैसे कैसे क्या है। ओल्ड टेस्टामेंट में कुछ और बातें जोड़ दी गई, कई ग्रंथों का संकलन उसमें कर दिया गया है। कुरान में भी उन सारे कतेब के प्रसंगों को, तौरात इंजील जंबूर के प्रसंगों को लेकर के और यथार्थ ज्ञान की तरफ संकेत किया गया है, जिसके बातिनी भेद केवल ब्रह्म सृष्टियाँ ही समझ सकती हैं। आज कुरान का वास्तविक आसर न जानने के कारण सारे संसार के मुसलमानों का एक विशेष वर्ग, जिसको बहावी विचारधारा कहते हैं, हथियार उठाने के लिए विवश है कि सारे संसार को कुरान का पाठ या तो पढ़ा देंगे या उन्हें समाप्त कर देंगे। और ये विचारधारा आतंकवाद को जन्म देती है, ये विचारधारा युद्ध के लिए सारे संसार को झोंकने का काम कर रही है। हमारा तो उत्तरदायित्व होता था, हमें 300 साल पहले परमधाम की ब्रह्मवाणी मिली थी। यदि हम दूरदर्शिता की दृष्टि से इसके लिए संलग्न होते, उच्च स्तर के विद्वान तैयार होते, उच्च स्तर के धर्म प्रवक्ता होते, तो शायद स्थिति कुछ और होती। आज देखिए, मैं कई बार इस बात को दोहरा चुका हूँ कि हमारे 400 से ज़्यादा मंदिर हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि 400 मंदिरों को नियंत्रित करने के लिए 40 भी अच्छे स्तर के विद्वान हैं। 400 तो छोड़िए, 400 मंदिरों में अच्छे पुजारी भी नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं। हमारे समाज की कितनी दयनीय स्थिति है आप जानते हैं? आर्य समाज में आचार्यों की संख्या कितनी है? कम से कम 5,000। हमारे पास तो 500 क्या 50 भी नहीं है। हम कहाँ खड़े हैं? हम यदि केवल सारा ध्यान सुंदर सुंदर मंदिर बनाने में लगा देंगे, कई कई करोड़ के मंदिर बनाएंगे, शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं देंगे, साहित्य की तरफ ध्यान नहीं देंगे, चितवनी की तरफ नहीं मोड़ेंगे, तो हमारा समाज कहाँ जाएगा? हम 300 साल से जो करते आए हैं वही माला का जप, वही प्रदक्षिणा, वही चरणामृत। वाणी में तो ये सब कुछ नहीं लिखा है। 100 माला वावो गले में, द्वादश करो तस्वीर, जो लो पीवना उलखे तो लो मन ना छोड़े पर। तस्वीर गुदड़ी करवा छोड़ो जने हीरा सवा, सीधे श्री जी ने कह दिया। लेकिन श्री जी के बातों को रुचला कर आज नई नई व्याख्या हो जाती है तो उसको क्या कहा जा सकता है? आज चितवनी का महत्व नहीं बताया जाता, कंठी का महत्व बताया जाता है। बताइए पूरी वाणी में कंठी का महत्व कहाँ लिखा है? लेकिन कहा जाएगा कि कंठी नहीं पहने हो तो तुम सुंदर साथ नहीं हो, तुम्हें परम धाम नहीं मिलेगा। कहना तो यह चाहिए, यदि परम धाम का दीदार नहीं किया, युगल स्वरूप का दीदार नहीं किया, तो तुम्हें सुंदर साथ कहलाने का अधिकार नहीं है। लेकिन ये कोई नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि शिक्षा की कमी है। हमें ज्ञान के क्षेत्र में बढ़ोतरी करनी होगी। अब कई कई करोड़ के मंदिर बनाने का समय नहीं रह गया। ज्ञान के केंद्र बनाइए, जहाँ ब्रह्मवाणी की प्रतिदिन चर्चा हो, प्रतिदिन चितवनी हो, गरीब से गरीब सुंदर साथ को साहित्य पहुँचे। इसलिए पन्ना जी में प्राणनाथ ज्ञान केंद्र की स्थापना की गई। जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा, आवश्यकता के अनुसार पूरे देश में ज्ञान केंद्रों की स्थापना की जाएगी। हमारा उद्देश्य रहेगा ज्ञान का प्रकाश हो
और उस दिव्य ज्ञान की अमृतमयी धारा में सारा विश्व स्नान करे। हमारा कोई एक छोटा संप्रदाय नहीं है, सारा विश्व हमारे लिए है। सारा विश्व आपसे मार्गदर्शन चाहता है, आपको मार्गदर्शक बनाकर परम धाम की राह खोजने के लिए विश्व व्याकुल है। आप सोचिए, यदि राधा स्वामी मत में निराकार की साधना के लिए 10 लाख लोग एक साथ कर ध्यान कर सकते हैं, तो हम 10,000 को भी बैठाने में समर्थ नहीं है। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं है। अब व्यास में जाइए, 10 लाख लोग एक साथ बैठकर ध्यान कर रहे हैं बेचारे, और वो कितने सौ साल से, 100 सालों से उन्होंने इतना विकास कर लिया कि 10 लाख लोगों को एक साथ बैठाकर ध्यान करा सकते हैं। उनके यहाँ प्रतिदिन 1 लाख का भोजन बनता है। हमारे समाज में ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ पर 1 लाख का भोजन एक दिन में बनता। हमें अपनी कमियों को सुधारना होगा, और ये तब होगा जब शिक्षा का प्रकाश हो, वाणी का प्रचार करना होगा, कर्मकांडों से एक दूरी बनानी पड़ेगी, चितवनी में स्वयं को डुबाना पड़ेगा। और मैं यही कहूँगा कि आने वाले समय के लिए हमें कुछ त्याग की भाषा सीखनी पड़ेगी, हर किसी को आहुत देनी पड़ेगी। अब देखे हैं, जब राम पुल बना रहे थे, कहावत कही जाती है कि गिलहरी भी समुद्र में डुबकी लगाती थी, फिर बालू में लौटती थी और जाकर के पानी में अपने बालू को छोड़ देती थी। ये तो पौराणिक कथाएं, मैं तो दृष्टांत दे रहा हूँ। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने उसको हाथ पर उठा कर कहा कि गिलहरी तू क्या कर रही है। गिलहरी कहती है कि भगवान आप जानते हैं मैं तो एक कंकड़ भी नहीं उठा सकती, इसलिए सोचती हूँ कि जो आप महान कार्य कर रहे हैं उसमें मैं कुछ बालू भी अर्पित कर दूँ तो मेरा भी जीवन धन धन हो जाए। आप भी यदि धनवान हैं धन की सेवा कीजिए, आपको बुद्धि मिली है ज्ञान का प्रकाश कीजिए, आप चितवनी में लगे हैं अड़ोस पड़ोस सबको चितवनी सिखाइए, सबको परम धाम की तरफ ले चलिए। आप किसी को पापी मत समझिए, ये भी सोचिए कि इस तन से पाप हो रहा है, हमें इसको सुधारना है। अपने हृदय से घृणा के संस्कारों को अलग कर दीजिए, क्योंकि यदि आपके अंदर घृणा के संस्कार रहेंगे तो आप सारे संसार के प्रेम की डोर से कभी भी बांध नहीं पाएंगे। न आपके अंदर घृणा हो न किसी से घृणा कीजिए। प्रेम प्याला में भर भर पीऊं, त्रैलोकी छक छकाऊं, 14 भवन में करूं उजाला, फोड़ ब्रह्मांड पी बस जाऊं। आप महामति जी के इस कथन को अंगीकार कीजिए, और मैं आशा करूंगा कि आज जो चौपाई मैंने कही है, अगुण काढ़े गुण ग्रहे हारे से हुजीत साहेब के सन्मुख सदा ब्रह्म सृष्टि के रीत को आप अंगीकार करेंगे।